और एक बार फिर से रुक करते हैं झरिया का। इस जिले के कांग्रेस के मेरे अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह जी, तर्केश्वर यादव साहेब, रुस्तम अंसारी जी, सपन बैनर्जी साहेब, रविंदर वर्मा जी, उमाशंकर जी मंच पर आसीन, समस्त कांग्रेस और महागठबंधन के मेरे कार्यकर्तागण, और मेरे पास में खड़ी हुई केवल कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी नहीं, केवल सोनिया गांधी या राहुल गांधी की प्रत्याशी नहीं, मैं तो ये मानता हूं केवल गठबंधन की प्रत्याशी नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि झरिया की जन जन की प्रत्याशी भी मिला। और झरिया में यहां उपस्थित मेरी जनता जनार्दन, मीडिया के मेरे भाई बंधुओं, आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि इस झारखंड की तपस्या भूमि पर नमन करने का मुझे एक मौका मिला, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। नेता लोग यह भाव पाएंगे, नेता लोग यह भाव पाएंगे, बुला फुसलाने का कार्य और कोशिश करेंगे, लेकिन जब मैं कहता हूं कि मेरा सौभाग्य है झारखंड की इस भूमि को नमन करने के लिए, उसके पीछे झारखंड का इतिहास है, झारखंड का वर्तमान है और झारखंड का भविष्य बैठा हुआ है। जो झारखंड का इतिहास हजारीबाग के गुफाओं के चित्रकार, चाहे हजारीबाग के गुफाओं के चित्रकार हो, चाहे पलामू के प्राचीन स्तंभ हो, चाहे हजारीबाग के गुफाओं के चित्रकार हो, चाहे पलामू के प्राचीन स्तंभ हो, चाहे सिंध भूम के कला और हस्तशिल्प की बेहतरीन उदाहरण हो, जो शिल्पकार हैं, जो अपने हाथों से इस झारखंड का नहीं लेकिन इस देश का भविष्य बनाने का कार्य करते हैं, ये विशेषता है झारखंड की, वो विशेषता है जो इतिहास में रची गई है, जो झारखंड के बिरसा मुंडा ने आजादी के क्रांति में अंग्रेजों के सामने अपना सिर उठाकर केवल आदिवासियों का नहीं लेकिन इस देश का हर नागरिक का सिर ऊंचा किया था। वो बलिदान का इतिहास है झारखंड का, वो बलिदान का इतिहास है झारखंड का, जहां दूसरी तरफ ताना भगत का इतिहास है, जिस ताना भगत के इतिहास के आधार पर 30,000 आदिवासी घरानों ने महात्मा गांधी का पथ अपनाकर दांडी मार्च और सत्याग्रह के आंदोलन में उनके साथ लगकर एक तीर और कमान की तरह आगे चले, ये झारखंड का इतिहास है मेरे भाइयों और बहनों। और ये झारखंड का इतिहास के साथ झारखंड के वर्तमान को जोड़ने की जरूरत है, और झारखंड का वर्तमान की विशेषता, यहाँ के अन्नदाता, यहाँ के आदिवासियों की मेहनत मशक्कत,
झारखंड के प्रति अकेले नहीं, लेकिन देशभक्ति के प्रति, जिसके लिए हर देश का नागरिक झारखंड की धरती को सलाम करता है। और आज भारत की प्रगति के पहिए की बात करती है भाजपा, भारत की प्रगति की पहिए की बात करती है, तो मैं तो ये मानता हूं कि भारत की प्रगति की पहिया 40% तो झारखंड राज्य से है, क्योंकि 40% खानिज्य झारखंड की भूमि में रहती है। लेकिन उस खानिज्य का सही इस्तेमाल, उस खानिज्य का सही लाभ तब न्याय होगा जब झारखंड की जनता को उसका लाभ मिल पाए। और जो 5 साल इस सरकार का कार्यकाल रहा है, जो 5 साल इस सरकार का कार्यकाल रहा है, अन्नदाताओं के प्रति, किसानों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, आज भी हमारा भारत देश औद्योगपतियों का देश नहीं है, अन्नदाताओं का देश है, किसानों का देश है। और ये शब्द अन्नदाता का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये शब्द अन्नदाता का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अन्नदाता अपना पेट नहीं भरता, अन्नदाता गांव का पेट नहीं भरता, अन्नदाता प्रदेश का पेट नहीं भरता, अन्नदाता संपूर्ण देश का पेट भरता है। 5 साल हो गए यहां, 5.5 साल हो गए यहां, और हर बार इनके मंत्री संतरी तंत्री आते हैं, लुभाने की बात करते हैं। 5 साल पहले कहा था भैया 2022 तक तुम्हारे आय को हम दुगना कर देंगे, कहा था कि नहीं? कहा था। समर्थन मूल्य की बात करते हैं, लागत के दाम के ऊपर 50% मुनाफा डालकर समर्थन मूल्य हम दिलवाएंगे, कहा था कि नहीं? और आज किसान बेहाल, नौजवान बेरोजगार, और प्रदेश का शासन माला मार। कांग्रेस के शासनकाल में यूपीए की सरकार जब थी, किसी में दम था तो कांग्रेस पार्टी में दम था, जब देश में किसी अन्नदाता ने नहीं मांगा। लेकिन अन्नदाता का दर्द, अन्नदाता की दिल की पीड़ा जनसेवक नेता आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे, ठाट फाट वाले, कलप के कुर्ते वाले। और नेता लोग क्या कहते हैं, नेता लोग कहते हैं पहला मांग तो आए तब मैं देखूं, सही है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी ने और सोनिया गांधी ने किसी की मांग की इंतजार नहीं की, जब देखा किसानों में पीड़ा है, 72,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की योजना पूरी देश में लागू की। कांग्रेस के शासनकाल में जब मेरे नौजवान बंदर का ठोकरे खा रहा था, कांग्रेस के शासनकाल में महात्मा गांधी रोजगार योजना लागू करके मैं आऊंगा
वहां भी चिंता मत करो। अभी तो ट्रेलर है, आप पिक्चर की बात कर रहे हो। रोजगार गारंटी योजना लागू की, 35,000 करोड़, जिसका आज एक रुपया भी झारखंड के मजदूर को नहीं मिल रहा। कांग्रेस के शासनकाल में समर्थन मूल्य में 19% वृद्धि होती थी, आज 3.5%। बिजली का दाम, पानी और समर्थन मूल्य, प्याज की तो बात ही मत करो भैया। मेरे पुराने राज्य में महाराष्ट्र के सोलापुर में तो 200 रुपया की थी। किसान को खुशहाल बनाने की सोच और वास्तविकता में तो किसान को कुचल झड़क दिया है पूरे देश में। भूमि अधिग्रहण विधेयक कांग्रेस पार्टी लेके आई थी ताकि किसान को अपने जमीन का सही दाम मिल पाए। जमीन किसान के लिए केवल अनाज बोने का और अनाज बनाने का फैक्ट्री नहीं है, किसान के लिए जमीन उसकी देवा देव देवता होती है, माता और पिता होता है। और आज ये लोग उसमें परिवर्तन करके सूट बूट वालों को जमीन मिल पाए। झारखंड में, यहां झरिया में अभी पूर्णिमा जी मुझे कह रही थी, लोगों को यहां ढकेलने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की और गठबंधन की सरकार बनाओ, झरिया को खाली नहीं किया जाएगा, लेकिन भाजपा को खाली किया जाएगा। हमारे मजदूरों का इलाका है। कहते हैं बिजली हर घर में मिल गई, मुझे आप बताओ 24 घंटे बिजली मिलती है क्या? बिजली नहीं मिलती, लेकिन 4 गुना बिजली का बिल मिल जाता है। सही है कि नहीं? बिजली नहीं मिलती लेकिन 4 गुना बिजली का बिल। पानी का भंडार है झारखंड में, लेकिन पानी का पाइप नहीं, प्यासे कंठों में पानी नहीं मिलता। किसान को दाम नहीं, नौजवान को काम नहीं और भाजपा को चिंता नहीं। आर्थिक रूप से अगर देश की हालत देखो, झारखंड की हालत देखो, पुरानी कहावत है हिंदी की कि मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। एक तरफ घरेलू उत्पादन का दर गिर रहा है और अच्छे दिन का वादा किया पूरी तरह से कच्चा साबित हुआ। बात करते हैं ये घरेलू उत्पादन की दर की, GDP। अरे भैया GDP तो नहीं बढ़ी, लेकिन गैस का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया और प्याज का तो कुछ नहीं। GDP एक कहावत है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइल में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। देश के अन्नदाता पेड़ों पर लटक के सो रहा है,
अच्छे दिन के सपने देख बस बेबस हो रहा है। रोजगार के अवसर नहीं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JSSC में 5 साल में एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली, एक व्यक्ति को रोजगार अवसर नहीं दिए गए। कोयले के भंडार हैं, बाहर के लोग आते हैं यहां से संग्रहण करके अपने अपने राज्य में ले जाते हैं, लेकिन झारखंड का गरीब और गरीब ही होते जा रहा है। संगत है कांग्रेस के महागठबंधन को स्थापित करो, जो झारखंड की पूंजी है वो झारखंड के वासियों को दी जाएगी, ये हम आपको संकल्प दिलवाते हैं। और जहां तक स्थानीय मुद्दा है, चाहे पानी का मुद्दा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज एक शिक्षित उम्मीदवार आपके सामने खड़ी है जिसकी एक कल्पना है जनसेवा के पथ पर चलने की, एक संकल्प लिया है अपने पति के नाम पर, जिस पति ने जनसेवा का पथ अपना अपनाया था, उप महापौर आपके बने थे, उनको गोली से भुना गया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर झरिया में आप न्याय करना चाहते हो तो पूर्णिमा को आप यहां से जिताओ, पर पूरा आशीर्वाद प्रदान करो और आपके विकास और प्रगति का रास्ता ये पूर्ण रूप से तय करके इस झरिया के झंडे को बुलंद करके छोड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।